अस्सलामुअलैकुम आवाज़ न्यूज़ सां गॾु आउं आहियां फरहा औरंगज़ी ऐं मां आहियां ग़ज़ाला अबलू। सभ खां पहिरियां हिकु नज़र हेडलाइंस ते। अमरीका सां मुआशी ऐं वापारी सहकार खे हथी वठण चाहियूं था। पाकिस्तान ऐं अमरीका विच में वेझा थींदा आहिनि त ॾुखियाईयूं बि पैदा थींदियूं आहिनि। असा जो फोकस पाकिस्तान के मफाद के अगते रखना है। परदेही वजीर बिलावल भुट्टो जरदारी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस संदस चवण है तो पाकिस्तान समूरन मुल्कन सा बेहतर लगापन जो ख्वाहिशमंद है। हुकूमत संभालण वक्त चैलेंजेस होया हाने बाहिन परदेही पॉलिसी के बेहतर करण सा सुठा नतीजा मिलिया है। अग भी चयो हो तो असा एड न ट्रेड चाहूं था हाने ब इन मौकफ ते कायम आहूं। अहम तरीन मुकररी ए मुल्क की मजमू सियासी सूरतयाल से हुकूमत इतिहादी जमायतों की शुरुआती मुशावरत मुकम्मल थी वही। इतिहादियों वफाकी हुकूमत के मुकम्मल सहकार की खातरी कराए छी। नाणे वाले वफाकी वजीर इसाकदार जो मौलाना फजल रहमान अगूणे सदर आसिफ अली जरदारी से डिघी मुलाकातों। आसिफ अली जरदारी मौलाना फजल रहमान से नवाज शरीफ की टेलीफोन से गाल बोल जरियन मूजिब हुकूमती इतिहादियों वजी आजम शहबाज शरीफ के मुकम्मल हिमायत की खातरी कराई ऐं पैगाम दिनो त अहम मुकररी समेत बियन अहम फैसलन ते वज़ीर आज़म आईनी अख्तियारन मुताबिक कदम खणे मुल्क जी मुआशी सियासी इस्तेकाम लाइ गॾिजी अॻिते वधंदासीं। मुलाकातुनि में इमरान खान जे बयानी लॉन्ग मार्च खे अहमियत न ॾियण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी सां नाणे वारे वफाकी वजीर इसाकदार जी अवाने सदर में मुलाकात। वफाकी वजीर इसाकदार सदर के मुल्क की मजमू इकतसादी ए मालियाती सूरत हाल से ब्रीफिंग कई। बोर्ड मुतासरन के रिलीफ फराहम करने लाए हुकूमत के उपाउन का भी सदर के आगाही। मुलाकात दौरान नाड़े ए मैशियत बाबत मुख्तलिफ मामलन ते ख्यालन की डेवट कई वही। सिंध हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के 15 दिन अंदर कराची हैदराबाद में मकानी चूंडन जो शेड्यूल जारी करने जो हुक्म दे छो। अदालती हुक्म में इलेक्शन कमीशन मकानी चूंडन के शेड्यूल जो ऐलान करे सिंध हुकूमत इलेक्शन कमीशन के नफरी फराहम करे। सिंध हाई कोर्ट एनपीएम पीटीआई जमायत इस्लामी की दरख्वास्तों से फैसलो बुधायो। सिंध हाई कोर्ट 14 नवंबर से फैसलो महफूज किया हो।